Next. Chapter and verse. Next. मैं अपने ही कमेटी का आप सभी से परिचय कराती हूँ, हमारी प्राचार्य जी जो हमारी कमेटी की पैटर्न है, उसके अलावा मैं प्रोफेसर किरण प्रदीप डीन, हमारी डॉक्टर पूनम सिंह मैम एडिशनल डीन, कृति मैम बी एड डिपार्टमेंट से हैं मेम्बर, और दीपा मैम कॉमर्स डिपार्टमेंट से मेम्बर, और एक डॉक्टर निशा सिंह जी, वो आजकल कॉलेज नहीं आ रही हैं तो वो भी हमारी मेम्बर हैं। नेक्स्ट, हमारी कमेटी के उद्देश्य पे मैं प्रकरण जानती हूँ। हमारी कमेटी का उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रदेश आवेदन छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाना। छात्राओं के हित के लिए महिला सशक्तिकरण पर बनाई गई सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना। छात्राओं की महाविद्यालय संबंधी समस्याओं का समाधान करना। छात्राओं की शैक्षिक व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। छात्राओं के लिए और उनकी ओर से विभिन्न सह गतिविधियों का संचालन करवाना। थैंक यू। जैसे कि अभी उद्देश्यों में आपने देखा कि हमारा जो समिति है वो पूरे कॉलेज से हम लोग कनेक्टेड हैं। इस पे हम लोग समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम करवाते हैं। ये जो आप देखते हैं सामने, हम लोग का टेक्नोलॉजी का हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, तो ये हम लोग ग्राउंड में जाके जब भी हमारे मेम्बर्स को या हम लोग को टाइम मिलता है, हम लोग बच्चों को टेक्नोलॉजी से अवगत कराते हैं। ये हम लोग गूगल फॉर्म फिल करना उनको बता रहे हैं। इसमें हम लोग क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। कन्या सुमंगला योजना गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, इस पर हम लोगों ने जब एडमिशन हुआ था आप सभी को हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एड्स कंट्रोल पोस्टर देके स्केट्स ऑन सोशल इश्यूज फाउंडेशन न्यूज ऑफ पेपर साइबर क्राइम अवार्ड ट्रांसक्रिप्ट, तो इस तरीके के सोशल कार्यक्रम हम लोग एम्फेसिस करते हैं कि हम सोशल कार्यक्रम करते रहें समय समय पर। इसके अलावा मिशन शक्ति के अंतर्गत अभी आज जैसा कि आपको प्रिंसिपल मैम ने बताया था कि फेज फोर चल रहा है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने लैंगिक समानता, महिला सुरक्षा और साइबर क्राइम पर भी हमने कार्यक्रम कराए, और आप सभी को हमारे कॉलेज के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को हमने उसको जागरूक किया। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त ये हमारी प्राचार्य जी फर्स्ट फोटो में स्टूडेंट्स को बैचिंग दे रहे हैं जो हमारे वॉलंटियर्स होते हैं। आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं जो आप लोग हमारे साथ से हमारी कमेटी के साथ सारे कार्य करते हैं, तो उनको बैचेस प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त और फोटोग्राफ में हम लोग की मीटिंग्स चलती हैं, समय समय पर हम लोग मीटिंग्स करते हैं। स्टूडेंट्स की कोई भी समस्या होती है, चाहे वो शैक्षिक हो या सामाजिक हो या किसी भी तरीके की हो, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा हम लोगों ने जो कपड़े हैं हम लोगों ने एम्प्लॉयज के क्लोज इकट्ठे करके हम लोगों ने खरीदे, तो जो जरूरतमंद थे हमारे एम्प्लॉयज रेस्टोरेंट्स उसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। इसके अलावा जैसे अभी मैम ने आपको बताया था कि सानिध्य एक प्रोग्राम होता है, उसमें हम लोग स्टूडेंट्स के साथ में मीट करते हैं और उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स खुद नहीं बता पाते हमें कोई अपनी प्रॉब्लम होती है, कोई भी होता है, तो हम उनके पेरेंट्स से भी फीडबैक लेते हैं, और यदि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो नहीं कॉलेज आ पाते तो हम लोग ऑनलाइन मीट भी उनके लिए कराते हैं, और बहुत अच्छा हमारा ये प्रयास रहा। पिछले साल से हमने स्टार्ट किया है और इस बार भी हम लोग इसको करेंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा हमारा 15 अगस्त का अभी मैम ने भी आपको बताया था कि हम बच्चों को अवार्ड देते हैं, इस पर हम लोगों ने जब भी होता है ये सोचा था कि किसी भी कोई ऐसी महान हस्ती जिस पर आधारित करके हम अवार्ड बच्चों को देंगे, तो इस बार हमने ऋतु गायिका श्रीवास्तव अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस